गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवराव चैन ऑफ लाइफ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। और आज का जो ब्लॉग है वो गाड़ी वाला ही रहने वाला है, क्योंकि इस पे मैं आपको एक अपना ओपिनियन बोले या अपना एक दुविधा बोलिए दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। सो आज की अगर मैं बात करूँ, आज मैं बात करने वाला हूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो की। और इससे पहले कि मैं इसके बारे में बात करूँ, आपने शायद अगर आप कार रिव्यूज को फॉलो करते तो आपने ये देखा होगा कि हमारे एक बहुत बड़े यूट्यूबर है अरुण पवार जी, वो कार का रिव्यू वगैरह देते हैं। तो उनके पास महिंद्रा स्कॉर्पियो जो नई वाली आई है वो थी, एंड उसको लेके वो टेस्ट के लिए 4x4 टेस्ट को टेस्ट करने के लिए हिमाचल साइड में गए। और हिमाचल में जाने के टाइम पे रास्ते में पहाड़ों में कहीं पे उनको एक झरना मिला, और वो झरने के नीचे जब उन्होंने चलो गाड़ी धुलवाते, नॉर्मली सब लोग करते हैं कि चलिए गाड़ी है झरना आ रहा है नेचुरल, तो वहां पे गाड़ी लेके गए। और जैसे ही वो गाड़ी वहां पे लेके गए, उनकी गाड़ी का जो सनरूफ था वो बंद था, और वहां से टपा टप टपा टप टपा टप पानी आने लग गया। ये वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उनके चैनल में जाके देख सकते हैं। तो पूरा टपा टप टपा टप पानी आने लग गया, इतना पानी आया कि पूछिए मत। एंड उसके बाद उन्होंने जो भी उसके बारे में बात करी है, जो भी बताया उसके लिए काफी आई थिंक कॉन्ट्रोवर्सी हुई, लोगों ने काफी बातें करी है। लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि क्या बातें करी, मुद्दा यह है कि जब उनकी हमने वीडियो देखी तो मेरे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार इतनी बड़ी गाड़ी हमने बनाई है। हो सकता है उसका गाड़ी के ऊपर, कहते ना एक सिंगल पीस, जब आप कोई भी चीज लेने जाते हो 100 चीज लेते हो, 100 ठीक निकलती है, 1 खराब निकल जाती है। ऑब्वियसली वी नीड नॉट टू जज विद दैट, बट वो जब देखा तो थोड़ा सा एक मन में डर आया कि यार अगर हम दूसरी गाड़ी वो प्लान करते हैं, या इनफैक्ट मेरे पास जो ये गाड़ी है इसमें भी सनरूफ है अब, बरसात में तो ठीक चल गई, लेकिन अभी मैं झरने के साइड में लेके गया और झरना ऊपर से बह रहा है, और उसमें मैंने गाड़ी अगर चला ली और उसमें अगर पानी लीकेज हो गया तो क्या होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक मन में एक डर आ ही जाता है किसी ना किसी तरीके से। वैसे ही डर मेरे में भी आ गया, क्योंकि मैं सोचा था कि अगर हम नेक्स्ट गाड़ी प्लान भी करते हैं, आज नहीं तो कल जब भी करें, उस हिसाब से फॉर्च्यूनर दिमाग में थी। लेकिन जब महिंद्रा स्कॉर्पियो को हमने देखा तो जो रीजनेबल जो बजट होता है वो बजट के बेसिस पे जस्ट हाफ, मतलब समझ लीजिए मोटा मोटी हाफ में आपको स्कॉर्पियो मिल रही है, महिंद्रा स्कॉर्पियो अच्छी। अब अगर आपको हाफ में वो सारे फीचर्स के साथ मोटा मोटी अगर वो गाड़ी मिल रही है तो ऑब्वियसली आप उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन आफ्टर सीइंग दिस रिव्यू मन में एक थोड़ा सा डर हो गया कि भाई चलो नॉट ओनली महिंद्रा स्कॉर्पियो, इवन एनी कार जिसके ऊपर में ये सनरूफ है, क्या वो लेना जायज है? क्योंकि गाड़ी तो कोई भी खराब हो सकती है, जरूरी नहीं कि अब आपकी किस्मत, आप गाड़ी लेके गए और उसमें आपने झरने के नीचे गाड़ी लगाई, आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन इसमें होगी प्रॉब्लम। तो ये एक थोड़ा सा एक मन में मेरे भी आया कि क्या करना चाहिए। हालांकि काफी लोगों ने काफी बातें बोली, बट ये चीज जो दिख जाती है ना कि यहाँ ये हो सकता है, तो दो चीजें से निकल के आते, या तो आप सनरूफ की गाड़ी ना लें, और अगर चलिए आप सनरूफ की गाड़ी ले रहे हैं तो देन इन दैट केस आप उसमें एक्सपेरिमेंट मत कीजिए कि हम जाके उसको झरने के नीचे लेके जाएंगे। क्योंकि उसके बाद महिंद्रा वालों ने भी अपनी उनकी मार्केटिंग टीम थी या जो भी थी, और वो भी अपनी गाड़ी को लेके वही सेम जगह पे, सेम लोकेशन पे उन्होंने गाड़ी को दिखाया, ताकि ऑडियंस जो है, पब्लिक जो है, दे शुड नॉट फील बैड और फील टेक एनी डिसीजन आफ्टर सीइंग अरुण्स वीडियो। लेकिन उन्होंने जब दिखाया तो उनकी गाड़ी में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये तो बात क्लियर कर निकल के आ रही थी कि हो सकता है अरुण की गाड़ी में ही प्रॉब्लम होगी, एक पीस जो निकल के आया था उसमें शायद प्रॉब्लम होगी, तो वही हुआ। बट अगर मैं गाड़ी की बात करूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो, हालांकि मैंने उसकी ड्राइव नहीं ली है, लेकिन मैंने सड़कों में जब उसको चलते हुए देखा है तो गाड़ी लगती तो मस्त है बॉस। 4x4 में जो बजट हम बात करें उसमें लेंथ के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से, मतलब रोड प्रेजेंस उसकी जो दिखती है गजब की दिखती है। हालांकि मेरा जब भी मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं, क्योंकि आई लव ट्रैवलिंग, तो मैं सोचता हूँ कि अगर गाड़ी मेरे को लेनी भी है तो कौन सी ली जाए, तो उसमें फॉर्च्यूनर तो दिमाग में थी, लेकिन ये वाली गाड़ी एक दिमाग में जगह बनाई थी, लेकिन अरुण के वीडियो देखने के बाद वो थोड़ी जगह में थोड़ी सी हिल गई। बट देखते हैं, मेरे को ऐसा तो नहीं कि कल ही गाड़ी लेनी है,
लेकिन जब भी लेंगे सोच समझ के लेना पड़ेगा। और ये जो चीज मैंने बोली है कि सनरूफ वाली बात, ये तो हमको भी देखनी पड़ेगी कि आपको किस तरीके की, आपको एडवेंचरस कार लेनी है, एडवेंचरस वे में जाना है, तो आपको थार एंड अदर कार आर बेटर। बट इफ यू रियली टॉक अबाउट डूइंग दिस एडवेंचर विद नॉर्मल कार्स, मैं समझता हूँ शायद थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है और डिफेक्ट किसी ना किसी में आ ही जाता है। ऐसा नहीं है कल के दिन में, जैसे महिंद्रा XUV300 के बारे में मैंने बोला था, गाड़ी की आवाज़ आती है, फिर किसी गाड़ी की आवाज़ कंटिन्यू चलती है, किसी गाड़ी में आवाज़ तुरंत बंद हो जाती है। जैसे मेरी गाड़ी में आवाज़ कुछ दिन चली थी, उसके बाद बंद होगी, वो भी बहुत इरिटेट करने वाली बात थी। तो अब वो पीस टू पीस भी होता है, हर गाड़ी में हो सकता है आवाज़ ना आती हो, खाली मेरे में आती थी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, जैसे आज मेरे को एक मैसेज आया था कि फुटरेस्ट इसका आपको आरामदायक है कि नहीं है, तो डिपेंड करता है कि कैसा आपको लगता है। इसके क्लच ब्रेक वगैरह थोड़ा दूर है, आपको चेयर थोड़ी आगे करके बैठनी पड़ती है ताकि जाके आपके पाँव वगैरह वहाँ पे पहुँच सके, ठीक है। तो हर एक तो फिक्स प्रॉब्लम होती है जो है ही, लेकिन एक जो होती है फिक्स नहीं होती, लेकिन वो समय के साथ हो जाती है, जो सनरूफ वाली प्रॉब्लम हुई थी। सो आई थॉट टू शेयर माई ओपिनियन विद यू, बट ये ज़रूर है कि जब अपने आंखों से आप चीज़ें देखो तो आपको लगता है कि बॉस सोच समझ के ही हमको आगे बढ़ना है। अब फाइनली उनका जो भी महिंद्रा के साथ में डिस्कशन हुआ या जो भी हुआ, आप देखोगे उनकी कंटिन्यूस वीडियो, उसमें फाइनली कल मैं देख रहा था महिंद्रा वालों ने आके उनकी गाड़ी लेके गए हैं और बोला है कि वो पूरी गाड़ी को ठीक करके देंगे और उसके बदले में उनको 700 देके गए हैं ताकि जो भी उनका जितना भी टाइम गाड़ी को आने में लगे यू कैन यूज दैट कार XUV बेसिकली। तो यहाँ तक सब ठीक है, वही है कि सोच समझ के हमको काम लेना चाहिए। महिंद्रा टीम को भी इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मार्केटिंग, ठीक है उनका भी खैर गलती नहीं है, उनको भी अपनी तरफ से दिखाना है कि नहीं भाई ये हमारी गाड़ी पे नहीं हो रहा, बट ये भी उनको मानना चाहिए कि बॉस आप ही की गाड़ी है, आप ही का सब कुछ है और आप ही के उसमें ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये भी मानना चाहिए कि हो सकता है हो जाती है गलतियाँ, कोई ना कोई पीस डिफेक्टेड निकल ही जाता है। कई चीज़ें हम देखते हैं, कई चीज़ें हम लेते हैं तो उसमें भी कई बार कई चीज़ें डिफेक्ट हो जाती है जब आप बल्क मात्रा में बनाते हैं और लेते हैं, तो आप हमें भी मिलती है, तो वो ऐसी कार में भी हो सकता है। तो एनीवे इस वीडियो को फिलहाल यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए, बट ये है कि महिंद्रा XUV नॉट महिंद्रा XUV स्कॉर्पियो का मेरे को अगर मिलेगा मौका तो मैं ज़रूर उसकी एक ड्राइव लूँगा। एंड कल मैं गया था एक गाड़ी में, मैंने टाटा टियागो का दिया था रिव्यू, अब उनके ओनर कह रहे हैं कि हमारा गाड़ी का रिव्यू लीजिए, मैं उनका रिव्यू ले तो काफ़ी दिनों बाद में टाटा टियागो में बैठा, तो गाड़ी ज़बरदस्त है बट आपको गाड़ी में बैठ के ही उसका रिव्यू देंगे नेक्स्ट। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म, बने रहिए मेरे साथ शिव रावत चैन ऑफ लाइफ के साथ।